इंडिया का ज्यादातर यूथ अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, बस भेड़ों की तरह एक दूसरे को कॉपी करना चालू कर देते हैं। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो बच्चों को राइट डायरेक्शन मिल जाए ताकि उनका सपना पूरा हो जाए। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत 1997 से होती है, जहां देश में नई अद्भुत टेक्नोलॉजी आ रही थी। देश दिनों दिन डेवलप हो रहा था। जितना देश में टेक्नोलॉजी नौकरी का क्रेज बढ़ रहा था, वहीं पर एक नया क्रेज चालू हो गया था, वो भी IIT में एडमिशन लेने का। मानो जो बच्चा IIT में चला गया उसका जीवन सफल हो गया और साथ में माँ बाप का सीना चौड़ा हो गया। उसी तरह लखनऊ में रमेश कुमार भी एक सपना लिए बैठे थे कि अपने बेटे विवेक को भी IIT बनाएंगे। इसलिए 12th के बाद रमेश जी अपने इकलौते बेटे को लखनऊ से कोटा छोड़ने आए, वो भी कोचिंग में एडमिशन दिलाने, ताकि IIT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके। विवेक बचपन से ही हर क्लास में फर्स्ट आता था, इसलिए मम्मी पापा को विवेक से ज्यादा उम्मीद थी। विवेक बड़ा ही शांत, सुलझा हुआ और इंटेलिजेंट लड़का है। हमेशा फर्स्ट आने वाला विवेक कोटा में देखता है यहाँ तो होड़ लगी है IIT में एडमिशन लेने को, वहीं पास में एक हॉस्टल में रूम लेता है। मगर विवेक का मन पढ़ाई में कम, बाहर ज्यादा लगता है। जहाँ इंडिया का पहला IIT इंस्टीट्यूशन 1956 में खुला और 1990 आते आते IIT मानो हवा बन गया हो। उन 2500 सीटों के लिए देश भर में अलग अलग जगह प्राइवेट कोचिंग खुल गई, जहाँ उन 2500 सीटों के लिए लाखों लोग हर साल कलम घिसने लगे। मगर विवेक है तो जवान लड़का ही, तो इस उम्र में फैंटेसी आना तो कॉमन है। वहीं एक दिन बाद हॉस्टल में विवेक दो नए दोस्त बनाता है, पहला चंदन, दूसरा रिंकू, जो पिछले 3 सालों से IIT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोचिंग शुरू हो जाती है और रेस भी। उसी कोचिंग में विवेक पहली बार सारिका को देखता है, जिसे फिजिक्स से बहुत प्यार है। मगर विवेक को अभी भी एक बात समझ नहीं आती कि IIT बनना ही क्यों है। मगर उस समय पापा के आगे किसकी चली है। पापा यानी रमेश जी को IIT का आइडिया अपने ऑफिस के कोवर्कर से आया, जिनका बेटा IIT में पढ़ रहा है। ऑफिस में उस कोवर्कर की सब रिस्पेक्ट करते हैं और रमेश जी भी चाहते हैं कि उन्हें भी समाज में रिस्पेक्ट मिले। रमेश जी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में गवर्नमेंट इंजीनियर है। इधर रमेश जी को ऑफिस में 50वें स्वतंत्रता दिवस का केक लाने की जिम्मेदारी दे। विवेक की माता जी घर से HD PCO चलाती है। मन मार कर रोज विवेक कोचिंग जाता, फिर कोचिंग से हॉस्टल, थोड़ा बहुत पढ़ता और कभी बस टाइम पास कर। चंदन और रिंकू सारिका के दोस्त होते हैं, उसी तरह विवेक भी सारिका का दोस्त बन जाता है। इधर घर में कोई PCO में एक लड़का आता है, जो किसी भी औरत को फोन मिलाकर अश्लील बातें बोलता है। लॉ की कंप्लेन के बाद घर के PCO पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है और PCO कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। इधर ऑफिस में 50वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रमेश जी से केक में भारत का झंडा गलत हो जाता है और उन्हें वॉशरूम में सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया जाता है, इसलिए उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर फिर भी विवेक को घर से सारी सुविधाएं दी जाती है, वो भी घर पर पड़ी सेविंग्स से। तभी कोचिंग में पहला मॉक टेस्ट होता है, जिसमें विवेक का रैंक 5000 के करीब आता है, इसलिए उसे A3 क्लास से हटाकर B2 क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। घर से भी उसे काफी डांट पड़ती है। इधर विवेक की मम्मी यानी मंजू जी रमेश जी को वह लड़का बताती है जो अश्लील बातें करता था। रमेश जी उसे मोहल्ले के सामने डांटते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। इसके बाद वही लड़का मंजू जी के ऊपर पानी गिरता है एसिड की तरह, ताकि मंजू जी घबरा जाए, और दूसरी बार उनके घर पर पत्थर गिरता है उन्हें डराने के लिए। इधर कोटा में विवेक चंदन, रिंकू और सारिका के साथ घूमने जाता है, जहां पर चारों अपने अपने सपनों के बारे में बताते हैं। मगर विवेक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि वह असल में क्या करना चाहता है। फिर विवेक, चंदन और रिंकू सारा दिन पढ़ाई न करके मस्ती करते हैं, बस सुबह कोचिंग जाना, शाम को पार्टी और गेम्स। तभी सेकंड मॉक टेस्ट में चंदन का रैंक 2802 आता है और सारिका और विवेक का रैंक भी अच्छा आता है, मगर रिंकू का रैंक ठीक नहीं आता। तब जाकर पता लगता है कि चंदन उसे पूरा टाइम बेवकूफ बना रहा था। रिंकू गुस्से के मारे अपना हॉस्टल बदल लेता है। इधर सारिका और विवेक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विवेक चंदन और रिंकू से थोड़ा दूर हो जाता है। इधर लखनऊ में रमेश जी कुछ जान पहचान के विवेक के दोस्तों को वही अश्लील बातें करने वाले को ढूंढने को बोलते हैं। वह दोस्त उस लड़के को तुरंत ढूंढ लेते हैं। उसका नाम मोहित होता है। मोहित रमेश जी से सॉरी कहता है, मगर रमेश जी मोहित के घर आकर उसके पेरेंट्स से मिलने की बात बोलते हैं। जब रमेश जी मोहित के घर जाते हैं, तब वहाँ कुछ सर्टिफिकेट पड़े होते हैं। मोहित के पापा IIT कानपुर ग्रेजुएट हैं और मोहित भी IIT कानपुर में पढ़ रहा है। यह देखकर रमेश जी बड़े हैरान होते हैं कि IIT
में पढ़ने वाला लड़का तो काबिल होना चाहिए, मगर मोहित तो सिर्फ अवारा गर्दी करता है। रमेश जी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तब जाकर रमेश जी को एहसास होता है कि काबिल होने के लिए आईटीएन होना जरूरी नहीं है। काबिल तो तब होगा जब उसका उस काम में मन लगेगा। इधर कोटा में रेस और तेज हो जाती है, क्योंकि कोचिंग का आखिरी मॉक टेस्ट आने वाला है। सब पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा आईआईटी का एंट्रेंस होगा। ये मॉक टेस्ट भी सबका ठीक जाता है, सारिका टॉप 10 में जाती है, मगर रिंकू जहर खा लेता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद सबके सब अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि कोचिंग खत्म हो जाती है। फाइनली आईआईटी के एग्जाम के दिन रमेश जी विवेक से बोलते हैं, बेटा आईआईटी सब कुछ नहीं होता, जीवन बहुत बड़ा है, इसके भी बहुत रंग है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत ले। आईआईटी का पेपर सॉल्व करते वक्त विवेक एक आंसर में अटक जाता है। तब वह याद करता है जब सारिका ने उसका सपना पूछा था, तब विवेक को याद आता है कि उसने क्या बोला था। उसने बोला था ई की पावर आई टाइम्स पाई प्लस 1=0 को मैथ्स की सबसे सुंदर इक्वेशन कहते, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर और दो यूनिवर्सल कांस्टेंट बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। यूलर बोलते हैं यूनिवर्स रैंडम नहीं है, इसमें भी एक ऑर्डर है और सभी लोग तो अपना कंट्रोल ढूंढ रहे हैं। शायद फाइनली विवेक को अपना कंट्रोल समझ आ जाता है और वह आंसर सॉल्व कर देता है। विवेक समझ जाता है कि आज मुश्किल फैसला लेने से शायद आने वाली जिंदगी आसान हो जाए और जिंदगी में कंट्रोल आ जाए, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। विवेक पास हुआ या फेल हुआ यह मूवी में नहीं दिखाया गया। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।